हाय टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलते फट्टे नब्दे गिल्ली सुबह ज्यादा दिल्ली। तो तुम्हें पता है मैं आएगी। अच्छा, तो अपने वास्ते भी चाय बनाई है बिली। सो गाइस, आप सबको पता है कि फेयरवेल में मैंने जो रणवीर ने करा उसके बाद अब हमारे कॉलेज वालों ने सेम डे पे निकाल दी है एक और नोटिस। कितने की? 200 रुपया पट डाल। कपड़े नहीं है, साड़ी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब भरती हूँ। हेलो ताई जी, आखा भी ब्लॉग करा रही हूँ हम सारे दिन। सो क्या दूध वाले अंकल? हाँ मामू, दूध है खत्म ना। घर से तो घर से दे दो अपने। रुको मम्मा, एक सेकंड गाइस। नहीं है, नहीं अदवी नहीं। एक होना जाओ, अदवी है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। तो गाइस मेरी बात सुनो, अब मैं जाने वाली हूँ और कॉलेज नोट वो कंसेंट फॉर्म के लिए। मेरा मुंह ज़्यादा जीप नहीं लग रहा ना, देखो मैं तबीयत खराब हो गई। तो मैंने पापा जी को मैसेज किया, पापा जी की ना मेरा ये फॉर्म निकाल गया, हमने लिख दो। पापा कहते तेरा रोल नंबर किया, मैं 1270 वाले 1272 मैं हो। तो बस पापा ने भर दिया वो, बस पैसे निकालो। मेरे एक फ्रेंड का भी निकालना मुझे, उसने कहा मेरे फेवर के पैसे देना, उसके बाद दोस्त से मिलूंगी। इसका मैंने पीरियड आ रखे हैं, यू कांट इमेजिन व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, अखंड पेन। तो गाइज आज हम जा रहे हैं कॉलेज में पिकनिक वजह ने माँ में रहा लगते रहते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटेंट बनाऊंगी, आउटफिट क्या पहनना, वटाँ एंड अगला ब्लॉग पता क्या बनाऊंगी, बट आई ईट इन पीरियड एडिशन। चलो चलते हैं, रेडी शेडी होके आते हैं हम लोग पास। ठीक है टाटा। सो मैं रेडी हो गई हूँ, नाउ आई एम गोइंग। कॉलेज जाना है एंड संग्राम हांजरा जी वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं अभी। मैंने खाली सनस्क्रीन अप्लाई की, नो फाउंडेशन, नथिंग एल्स। परिधि आप ठीक हो? बाकी हम निकल रहे हैं। सो ओला वाला भैया का वेट कर रही हूँ मैं, उनका वेट करते ही जैसे वो आएंगे हम पापा पे जाएंगे अपना कंसेंट फॉर्म। पापा ने खुद प्रिंट खरीदा है और पिकनिक जाने के लिए मेरा, तो अराउंड 700 लगे मेरे टिकट्स पे। ऐसे कि 200 लग गया इसका पिकनिक का, 100 लग गया फेयरवेल का। अभी कपड़े का भी कंटेंट बनाना है यार, मैंने बहुत चीज़ें करने वाली हूँ। मैं भी एक्साइटेड हो, मैं बहुत ज़्यादा हूँ। मैं करा के जल्दी कराऊंगी ओलर बैग के साथ, फिर मैं करूँगी कंटेंट राइटिंग। ओह हो, जीजू और दीदी ने, जीजू और ताया जी, हेलो गाइस। देखो जीजू और ताया जी आ रहे हैं मेरे हैंडसम लोग, कैसे क्यूट चीज। आयो मेरे जीजा जी हैं, अमीर घाम अमीर घर से हैं और गाड़ी भी क्यूट है। कैसे हो दीदी? क्या मेरी दीदी आ रहे हैं? ओके ताई जी और अच्छा इंगेज है। चलो गाइस चलते हैं, और मैं ओलर बैग का वेट कर, तक मैं जीजू से मस्ती करूंगी। चलो सो गाइस ओला वाला भैया आ गए। हेलो भैया, पहले ना पापा का स्कूल के बाहर जाना है, एक पर्ची पकड़नी है। ये नहीं स्कूल, गर्ल्स को लिहाड़ी वहाँ जाना बस। तो गाइज पापा ने मुझे फ़ोन किया कि मैं तेरे भाई को लेने जाना, तो तू ना वहाँ मोची निकालना हेलमेट कि वो नहीं है मोची वाले भैया, उनका से वो कंसेंट फॉर्म पड़ा है, तो तू वहाँ से कर लियो, दे दो भैया। थैंकस। चलिए भैया जी गाइज, भैया अगर सब कहता बोला लो भैया परफेक्ट परमानेंट आई, यहीं आएंगे यही छोड़ेंगे सब कुछ, टाइम पर आते हमेशा। पता भैया की कंप्लेन के रहते हैं, इनको लगता है कि पैसे ऐसे मेरे अकाउंट में फ्लो कर रहे होते हैं, कभी कभी सर्वर नहीं होता, कभी पैसे अकाउंट में नहीं होते, कभी कुछ होता है। इनको लगता है मैं जानबूझ के पैसे लेट करती हूँ ना। तो बाकी हम पापा के स्कूल जा रहे हैं और वो मोची पैसे लेंगे। अब हम कंसेंट फॉर्म, हम जाएंगे कॉलेज, देंगे पर्ची और पर्ची देके घर वापस ही आएंगे दिल्ली से, तो घर आके मैं कंटेंट शूट करूँगी वगैरह वगैरह। चलिए चलते हैं। तो गाइस ये हम पहुंचे हैं दयाल हाउस के पास, अब हम मोची बैग ढूंढने हैं पापा के स्कूल वाले मोची बैग बैठते हैं। चलो भैया ला 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 ला, यहाँ पे बैठते हैं मोची में, वो पर्दे के नीचे बैठेंगे। और आगे चलो बस भैया रुको, ए भैया भैया पापा कुछ देखेंगे मेरे पापा, दो पर्ची, थैंक यू गाइस पापा ने भेज दिया। चलो चलिए, पर है नहीं पर है ना, देख रहा हूँ ये रखो पापा ने भर दिया मेरे सब पर। देखो टीचर राइटिंग नहीं चाहिए मेरे पापा की, वाह 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 वाह, बड़ा मर्जी गेट छड्डो बस कॉलेज छड्डो।
नंबर तो निकली मेरे पापे का नंबर गायब करना पौना इन्हें सोरे फोन कर लेना तुम अपने उन्हें चलो ये बच्चा मुझे कह रहे हैं हाजी आप लेट हो गए। मैंने कहा बच्चे उनको जानती हूँ कोई चक्कर नहीं परफॉर्मेंस उनकी पता फाड़ू रहती है हमेशा। सो बस कंसर्न फॉर्म में निकलो। हाँ जी एडमिशन नहीं लिया ना नहीं भाई वो हम जाएंगे उनको कैसे लेके जाएंगे बच्चे ऐसे एक्साइटमेंट में ना। बाकी हांजलो जी का मुकाबला है बिल्कुल भी नहीं जट का मुकाबला कहीं भी नहीं है जट नहीं बट स्टिल पंजाबी और भी लाइक सोना दूँ मैं कंसर्न फॉर्म में निकलूँ मैं भी हो गया इवेंट चेक करो पिकनिक भाई बड़ा रश था। मैं अपनी फ्रेंड को पकड़ा के आ गई कि मुझे स्लिप्स ले लेना पकड़ा देना ठीक है मुझे बस वो लाई मैं उसको गाइस बहुत रश था निकल गई बहुत दूर आया गया इंटेक्शन माई फ्रेंड प्लीज कर देना बहुत पैसे घर जाते हैं। चलो भाई पहुंच गए ट्रांसफर कर रही हूँ वैसे बैंगन गोभी ले लो गाइस मेरे कुछ दोस्त गए इसमें ठीक ठाक कर देंगे और मेरे को इतने एब्डोमिन में दर्द हो रहा मैं लेटने लगी भाई व्लॉग क्या भाड़ में मैं मर जाऊँ क्या हाल चाल दर्द बड़ी हो रही है मेरे को ना चार फोन आ चुके हैं दो मेरे क्लास में के दो मेरे बाहर के दोस्तों के हमारी बंदियां खड़ी है लाइन में फॉर्म लगवा उनके मैंने कहा मैं हूँ ही नहीं ड्यूटी में कैसे लगवाऊँ दर्द हो रही है इधर मेरे को और मैं कैसे लगवाऊँ अभी तो इतने हैं दर्द है मेरे दोस्त उधमपुर से आ रहे हैं कटरा से आ रहे हैं हाँ दर्द है। सो नाउ आई एम हेडिंग टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फिर हम कुछ खाएंगे पियेंगे पेट दुख रही है मेरे ज़्यादा रखे और मिलना भाई एक बनता उसके साथ एक मीटअप मेरा पक्का ओला वाला भैया है तभी वो जो मेरे का हेलो भाभी हाय काकी बढ़िया बढ़िया। तो गाइस हम निकल चुके हैं अब तो आई एम गोइंग टू मीट अनीतम उस आईपैड में दिखा दूंगी चलो मन तो नहीं कर रहा व्लॉग करने बट करना पड़ रहा मजबूरन बाकी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ तुम सबके लिए तो मैं इम्पोर्टेंट है देखना सच में कह रही हूँ उसके बाद देखते हैं फिर मिलकर लगे तो सुनाते हैं। सो गाइस आई एम हियर ऑलमोस्ट एंड गोइंग टू सी हिम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आए सो ही इज लेट उसका टाइम लगेगा आने में तो मैं चल जाती हूँ चलो भाई चलिए भाई ये लड़का ना पूरा इतना लेट आया देखना ये खोता हेलो बेस्टी इतना ज्यादा भगाया था कार्डियो हो गया मैं इसी गली में एंटर किया था हाँ बंदा बोलता आगे आगे है मुझे कंफ्यूज हो चला जा मैं लेके दे ली और क्यूट तो गाइस ही इज हियर एंड वी आर ईटिंग दिस दूसरों की बेस्ट फ्रेंड आती है कोई अपने लेकर लाता है कि बंदे चॉकलेट दे दी सौ रुपये चॉकलेट दे दी सरप्राइज के लिए है ना कुछ दे दिया हाँ। इस औरत ने मेरे लिए क्या लाया क्या लाया मैंने लिए किसी देखो किसी ऐसे इसका मैं क्या करूँगा क्या करूँ ना बचपन से हाँ तो क्या करूँ इसका मैं चुमने इसको पोछा मारूंगा इससे तो हेलो गाइस आज मैं आया हूँ नेहा के साथ लड़की साथ आया हूँ यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है ये मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है
रियली मुझे ऐसा लगता है कि दिस प्लेस इज द बेस्ट. थैंक यू. कुछ हम बीमार होके आते कुछ करते आ जाए तो शॉपिंग कराती थोड़ी बहुत. चलो क्यूटी मिली मुझे वो थी बिग फैन. मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते बहन. हेलो ये भी सामान पसंद आया हमें. ठीक 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 ठीक. बाय द वे अनितम नेवर गिव अप ब्राइसर बेगा. देखो ले तू. समटाइम्स वी शुड गिव अप. गिव अप. समटाइम्स वी शुड गिव अप. चलो नीड अ बैग फॉर माय आईपैड तो वी आर लुकिंग फॉर वन एंड ही इज हेल्पिंग मी. मैडम जी कौन सा बोले आप? भाई साहब ये बरान वाला दे दीजिए. ये वाला? हां जी भैया. हां जी निकालो निकालो ना सारे. काम पे रख लीजिए इसको भैया. भैया भी हंस रहे हैं. भैया निकाल दीजिए ना हमको सलेना है. इतना निकाल ही नहीं रहा. ये बैग खरीदा फाइनली. मेरे बैग को उठाने के लिए एक और बंदा नहीं बड़ी बैग चाहिए था यार आईपैड के लिए. पता क्यों? बढ़िया ठीक है सस्ती क्वालिटी का. ठीक है क्या कर सकते हैं इतना वैसा भी तो नहीं है हमारे पास. अब क्या लेना और कुछ लेना दे ले शॉर्ट शूट विमेन सेक्शन से. चलना मेन सेक्शन देखना उन्हें. मम्मा चल फिर इसकी मम्मा को पता चलता साथ में उसके. आई मैं ये देखो नितम लगा कितना प्यारा बच्चा मेरा. बंद कर दे उसको. बैग कर दे. अब मैं बैग सिग्नेचर बनूंगा. चलो 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 सही से सही से. जिप बंद हो रही है. चलो उठाओ फिर बैग. आओ कैसा लगता है बेस्ट फ्रेंड का? बहुत ज्यादा अच्छा. खुल गया मैं आज. झट खुल गया. झट खुल गया. अच्छा रहा मेरा. ऐसा रहा मेरा दिन. दिन आज का भी तो देखते और क्या करने वाला आगे. बाकी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज जस्ट अ ब्लेसिंग टू मी एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माय लाइफ. यो बेबी चला गया.